तो गाइस यहाँ पे रियलमी का जो एयरफोन आपको मिलता है और बोट का जो एयरफोन मिलता है, तो दोनों का मैं कंपेयर करने वाला हूँ और दोनों का मैं अनबॉक्सिंग किया है, तो आई बटन पे जाकर देख सकते हो। अनबॉक्सिंग आप अलग से देखने जाते हो तो आप जाकर देख सकते हो कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो इस वीडियो में पूरा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करना है बिल्ड क्वालिटी कैसा है। गाइस बोट का जो एयरफोन है बेसेरेट 103 जो उसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पे जो उसका जो बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको मैग्नेट मिल जाता है, प्लास्टिक बिल्ड है, और यहाँ पे जो वायर क्वालिटी की बात करो तो वायर क्वालिटी आपको नॉर्मल रबर वायर आपको मिल जाता है, और यहाँ पे जो आपको बटन यहाँ पे आपको कॉल रिसीव करने का बटन आपको मिल जाता है, सिर्फ एक माइक मिल जाता है, और यहाँ पे जो जैक आपको मिलता है यहाँ पे थोड़ा सा एल साइज यहाँ पे जैक आपको मिलता है, और यहाँ पे जो गोल्डन प्लेटेड आपको जैक मिलता है बोट में। और यहाँ पे रियलमी का जो ईयरफोन की बात करो तो जो रियलमी बड्स 2 है प्लास्टिक और मेटल बिल मिल जाता है, जो यहाँ पे जो आर लोगो है यहाँ पे वो मेटल है, और साइड में आपको प्लास्टिक मिल जाता है, ये आपको रबर वायर मिलता है, रबर वायर थोड़ा सा अच्छा मुझे लगा है। कैसे कॉल रिसीव करने के लिए बटन और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है, और माइक मिल जाता है। यहाँ पे देखो माइक थोड़ा सा पास में है तो कॉल रिसीव करने के टाइम पे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प होता है तो पास रहता है। तो और इसके अलावा पूरा आपको ब्रेडेड केबल मिलता है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेडेड केबल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल जैक सिल्वर प्लेटेड आपको जैक मिलता है। तो दोनों में आपको टिप्स मिल जाता है अलग अलग साइज का, तो अपने कानों के हिसाब से आप चेक कर लेना कौन सा ज्यादा सुटेबल है, तो चेक कर लेना। और वायर मैनेज करने के लिए दोनों में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो वैसे ये तो हो गया बिल्ड क्वालिटी। और एक चीज यहाँ पे माइक क्वालिटी कैसा है नहीं है दोनों ईयरफोन में, हाँ मैं आपको सुना देता हूँ तो माइक क्वालिटी कैसा है नहीं है, तो आप सुन के यहाँ पे आप डिसाइड कर लेना कौन सा ज्यादा बेहतर है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं रियलमी का माइक यूज करूँ कैसा है नहीं है, आप मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में, और मेरे हिसाब से ठीक ही है। और अब मुझे बताओ कैसा है और क्या बताएं, यहाँ पे कोई भी एडिट वगैरह कुछ भी मैंने नहीं किया है, रॉ वीडियो रॉ ऑडियो यहाँ पे आप सुन रहे हो। यूज़ कर रहा हूँ मैं बोट का, तो बोट का क्वालिटी कैसा है नहीं मुझे आप मुझे बताओ, और ये भी कोई भी एडिट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, पूरा रॉ एकदम फुटेज है, तो और हाथ पे लगाए तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे लग रहा है जो एल साइज जैक है, तो इसीलिए तो थोड़ा सा मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, ठीक है। साउंड क्वालिटी थोड़ा सा मुझे लो लगा, बेस और ट्रैवल के बारे में बात करो तो बेस और ट्रैवल काफी मतलब कम है, बेस नहीं है, ट्रैवल हाँ ठीक ठाक सा ट्रैवल है, और मिड्स मतलब बैकग्राउंड में जो भी चीजें यहाँ पे चल रहा था वो मतलब ठीक ठाक सुनाई दे रहा था, तो ऐसा नहीं है जो सुनाई नहीं दे रहा, ठीक काम चला यहाँ पे बोल सकते हो। गाइस रियलमी का ईयरफोन की बात करो तो मतलब काफी मैं यूज करता हूँ, और साउंड क्वालिटी के मामले में बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी मुझे अच्छा लगा। साउंड क्वालिटी बात करो तो बेस आपको काफी अच्छा बेस मिलता है, ऐसा नहीं है जो फुल बेस आपको मिलता है, ऐसा नहीं है, बेस मुझे जैसा बेस पसंद है वैसा ही बेस है, नॉर्मल बेस मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हो, और ट्रबल भी अच्छा मिल जाता है, और जिसके मदद से यहाँ पे जो मिड्स आपको मिलता है मतलब जो बैलेंस साउंड आपको मिलता है, जो बैकग्राउंड में जो भी चीज इंस्ट्रूमेंट जो भी चल रहा है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर आपको सुनाई देता है। मैं मूवी वगैरह देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ, मैं हेडफोन मेरे पास है तो और भी 2-3 ईयरफोन है, तो उससे अच्छा मुझे रियलमी का लगता है क्योंकि यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर मुझे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कंफर्ट के बारे में बात करो तो कंफर्ट आपको दोनों में कंफर्ट आपको मिल जाता है, नॉर्मली मेरे कानों के हिसाब से दोनों ही कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ लगा नहीं है जो ये दोनों भारी है, दोनों इतना मतलब वेटी फील हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या देखो बोट का जो ईयरफोन है थोड़ा सा छोटा मिलता है, यहाँ पे ऊपर जो आप देख सकते हो रियलमी का है और नीचे देख सकते हो बोट का है, जो माइक का पोजीशन आप देख सकते हो, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा जो है रियलमी का, क्योंकि यहाँ पे माइक ज्यादा थोड़ा सा पास दिया रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बातचीत करने के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। और बोट का यहाँ पे आप जब कानों में रखते हो तो नीचे होता है, बाहर ऐसे ऐसे बात करोगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है और थोड़ा सा अजीब भी लगता है, ठीक है। जो माइक पोजीशन है ज्यादा अच्छा है, वहाँ पे आपको बटन मिल जाता है चेंज करने का, वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाता है, तो वो भी अच्छा है, डिजाइन वाइज भी काफी सही आपको मिल जाता है, और ब्रेडेड वायर भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा भी वायर आपको मिल जाता है, तो काफी अच्छा है, कंफर्टेबल के मामले में रियलमी भी काफी अच्छा है, दोनों में सेम है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको रियलमी का आपको एयरफोन में ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं पे प्राइसिंग, गाइस पे प्राइसिंग के बारे में बात करो तो बोट का जो एयरफोन है आपको नॉर्मली यहाँ पे 400 में मिलेगा या उससे कम में आपको मिल सकता है, ऑफर के टाइम पे 350 भी मिल सकता है या 370 मिल सकता है, 375 मिल सकता है, तो आपको डिपेंड करता है कब आप लेते हो। और यहाँ पे रियलमी का जो एयरफोन है आपको 600 मिलेगा और ऑफर टाइम पे यहाँ पे 550 में मिल जाएगा, जो जैसे मैंने बाय किया है 550 में, तो वो ऑफर टाइम पे मिल जाएगा। तो आपका बजट 400, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप बोट का ना लेके आप MI का बेसिक ले सकते हो, काफी अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा 150 आप देखिए यहाँ पे जो रियलमी का एयरफोन ले सकते हो, बिल्ड क्वालिटी साउंड क्वालिटी कंफर्टेबल आपको काफी अच्छा मिलेगा, आप ऐसा नहीं डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो
रियलमी का ईयरफोन आप ले सकते हो। और गाइस मुझे आप बताना कैसा वीडियो आप देखना चाहते हो, नहीं देखते हो, किस चीज का आप कंपेयर देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है दोस्तों छोटा सा आपको ईयरफोन कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आता है, ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद तो लाइक शेयर करके जाना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।